नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी नीति अंकुश चौधरी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ रुद्र नॉलेज हब। और आज फिर मैं आपके लिए नई वैकेंसी लेके आई हूँ भाई। ठीक है, वैकेंसी वही आपकी टीचिंग वैकेंसी है और बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो भाई इस वैकेंसी को ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये वैकेंसी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है भाई, गवर्नमेंट जॉब है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस इज़ माय चैनल, ठीक है, रुद्र नॉलेज अब। और इस पे करंटली जो भी वैकेंसी चल रही है आप मेरे चैनल पे आके वीडियो सेक्शन में आके देख सकते हो। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते मैं चलती हूँ वेबसाइट पर, ठीक है। कैरियर एट द ही आ गए हम अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। रिलायंस फाउंडेशन स्कूल से आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी निकल के आ रही है भाई। आवासीय विद्यालय से आपकी वैकेंसी है, आप देख लेते हैं। रिलायंस फाउंडेशन स्कूल लर्न इमेज एक्सेल, ठीक है, ये आपकी नेवी बम्बई से निकल के आ रही है। कैसे अप्लाई करना है, क्या ठीक किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, सारी चीज़ों पर डिस्कशन करूंगी। इसमें कोई आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई फीस नहीं होगी, कुछ नहीं लगेगा। ओके, सीधा आपको पहले फॉर्म फिल करके सबमिट करना है, ठीक है, घर बैठे। चलिए यहाँ पे मैंने क्लिक हेयर पे क्लिक कर लिया। ओके, ये आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ गया, ठीक है, जिसको आपको सबमिट करना है। एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी, वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर आपने एक भी स्टेप स्किप कर दिया तो भाई फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, आपसे गलत हो जाएगा, ठीक है। एक बार के में एक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए, मेरा फॉर्म खुल के आ गया। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल पूछी, यहाँ पे आपका नाम जहाँ भी स्टार लगा हुआ है भाई वो मैंडेटरी है, ठीक है। और जहाँ स्टार लगे नहीं लगाया आप उसको छोड़ भी सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपको अपना कैपिटल में नाम फिल करना है, ठीक है। कंप्यूटर के थ्रू आप इसको कर सकते हो, जैसे मेरा नाम नीति है, ठीक है, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स में नाम है मैं अपना यहाँ पे नाम टाइप कर दिया, ठीक है, कुमारी नीति। उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, टीचिंग, ठीक है। ये देखो आपकी वैकेंसी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ के लिए निकली है, आपके टीचिंग भी और नॉन टीचिंग भी, ठीक है। आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। जैसे मैंने टीचिंग स्टाफ के लिए कर लिया। ओके, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा भाई, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, मराठी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस, ठीक है। ये सारे आपके वो दे रखे हैं सब्जेक्ट, ठीक। किस सब्जेक्ट में आप टीचिंग कराना चाहते हो, ठीक है। ये मैंने कंप्यूटर स्ट्रीम, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। स्टडीज़ मैंने कर लिया। ओके, अदर्स कोई इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे, कोई आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। क्या है भाई, आपने क्या कर रखा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। नहीं भी रेजिडेंस, आपका स्टेट कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे मेरा स्टेट भाई दिल्ली है, ठीक है, देख लेते हैं हमारा दिल्ली दे रखा है या नहीं दे रखा है, ठीक है। और जिसका भी जो भी स्टेट है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। इसलिए मैंने छोटा सा आपको एग्जांपल दिया कि कैसे फॉर्म फिल कर, मैट्रिक, आप मैरिड हो अनमैरिड हो ये करना है आपको भाई। नेशनलिटी आपकी इंडियन है, इफ अदर्स कोई और हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मदर टंग आपको यहाँ पे अपनी चूज करनी है, कौन सी है भाई, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। और अदर कोई है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, एम्प्लॉयर या फिर अनएम्प्लॉयर, ठीक है। वो जो मैं यहाँ पे अनएम्प्लॉय कर देती हूँ फिलहाल, ठीक है, जो भी है भाई, मैं तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। अगर एम्प्लॉयर हो तो यहाँ पे आपको टिक करना है। ओके, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, सॉरी, अगर घर पे कोई नंबर है तो या फिर मोबाइल नंबर दीजिए, यहाँ पे भी मोबाइल नंबर देना है। और यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है, ठीक है। और फिर आ जाए, फिर यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद आप एजुकेशन वाले डिटेल्स पर जाओगे। यहाँ पे आप एजुकेशन डिटेल पर जाओगे, यहाँ पे पहले आपको अपनी डिटेल, ठीक है, पार्ट टाइम करना चाहते हो, फुल टाइम करना चाहते हो, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि आपने जो भी आपकी जो भी एजुकेशन है आपने फुल टाइम में की है, पार्ट टाइम में की है, कॉरस्पॉन्डेंस से की है, सब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये सब चीज़ें फिल कर लोगे, फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में जाओगे, सॉरी, और ठीक है, ये फिल करोगे। फिर टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, ये सारी चीज़ें मैं मेंशन करोगे। एड्रेस डिटेल, ठीक है, और करंट सैलरी डिटेल्स, अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपकी सैलरी भी आती है तो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे, नहीं आते तो सब में एन एन ए करके छोड़ दोगे, ठीक है। एन ए भी आपको कैपिटल में रखना है, ठीक है, एन ए, ठीक है, नहीं है तो भैया एन ए। ओके, नेक्स्ट प्रोफेशनल रेफरेंसेस, ठीक है, आप अपना यहाँ पे कोई रेफरेंस, ठीक है, ये दोगे। और उसके बाद आप पे कैप्चा करके, यहाँ पे जैसे कैप्चा दे रखा है इसको फिल करके आप यहाँ पे जो ऊपर है ना सबमिट, आप सबमिट पर क्लिक करोगे। ओके, उसके बाद आपको बैक आ जाना है। अब ये देख बता देती हूँ किस किस चीज़ की किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। ओके,
ये आपकी असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस फॉर द प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूल के निकली है भाई। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो या फिर आपने ग्रेजुएट कर रखा हो या आपने बीएड कर रखा हो, और 5 से 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉन टीचिंग की वैकेंसी आपकी प्री प्राइमरी भाई, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन विद ECCED सर्टिफिकेट होता है, ये आपने कर रखा हो ठीक है। ये PRT मदर टीचर की भी निकल रही है भाई, 1 to 4th क्लासेस के लिए ठीक है। ये आप सारी चीज़ें देख लेना। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर PGT सभी सब्जेक्ट के लिए, TGT भी सभी सब्जेक्ट हैं ठीक है। और एक्टिविटी टीचर्स आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा ठीक है। आपने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो या फिर ग्रेजुएट कर रखा हो ठीक है। योगा टीचर के लिए भी आपने योगा का डिप्लोमा ले रखा हो, सर्टिफिकेट ले रखा हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। स्पेशल एजुकेटर के लिए भाई आपने ग्रेजुएट कर रखा हो, बीएड कर रखा हो स्पेशल एजुकेशन में, तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। करियर काउंसलर भाई आपने देखो डिग्री ले रखी हो, लाइब्रेरी असिस्टेंट, असिस्टेंट ठीक है, इन सब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट IT मैनेजर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो या फिर आपने ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, और आपके पास 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। HR मैनेजर की भी यही है ठीक है। और मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन और की देख लेना। सेक्रेटरी के अकाउंट असिस्टेंट की भाई BCom कर रखा हो आपने, BMcom कर रखा हो, आपके 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है। ये वहाँ का एड्रेस है, और आपको 7th पे कमीशन आपकी सैलरी मिल जाएगी, यानी कि आपकी सैलरी समथिंग 70,000 पर मंथ के नियर बन जाएगी। ओके, फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी बचती है तो भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर इन्होंने ये नंबर दे रखा है अपना यहाँ पे, आप इनके नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हो। गवर्नमेंट वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है ठीक है। और आपका बस इसमें इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में सिर्फ आपके 3 राउंड होंगे ठीक है। 3 राउंड सिर्फ वो मेन मेन राउंड होंगे, मतलब नॉर्मली राउंड होंगे इंटरव्यू आपका, कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। एक डेमो क्लास होगी ठीक है। पहला इंटरव्यू होगा भाई आपका ठीक है, आपके बारे में पूछा जाएगा ठीक है। सेकंड होगा भाई आपका डेमो ठीक है, डेमो राउंड ठीक है, आपसे डेमो लिया जाएगा, वो भी ऑनलाइन लिया जाएगा ठीक है। और थर्ड है भाई आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, बाकी और कुछ नहीं होगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर भी अगर किसी कोई क्वेरी बचती है तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। थैंक यू सो मच।